Assalamualaikum and welcome to our English online class. Students, in today's our online class, we are going to study the first lesson of unit number 8. So kindly open page number 68 and write date and CW on the top. Listen very carefully and underline the difficult words. Also prepare the difficult words for dictation. Unit number 8 ka jo first lesson hai, iska title hai Muiz Likes Reading. रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना. मुइस पढ़ना पसंद करता है या मुइस को पढ़ना पसंद है. वर्ड्स टू नो. फ्राइटेंड, टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग. फ्राइटेंड का मतलब होता है डर, खौफ. इंटरेस्टिंग, कैचिंग द अटेंशन, किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो होना. इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प. द रूम वॉज वेरी क्वाइट. कमरा बहुत खामोश था या कमरे में बहुत खामोशी थी. मुइस टर्न द पेज ऑफ हिज बुक. मुइस ने अपनी किताब का सफ़ा पलटा. द बुक वॉज लार्ज. किताब बड़ी थी. इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट. और इसमें बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स का मतलब होता है रंगीन तस्वीरें थी. देयर आर ओनली 3 pages लेफ्ट, सेड मुइस टू हिमसेल्फ. सिर्फ 3 सफ़ात रह गए हैं, मुइज ने अपने आप से कहा. हाउ सैड. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मुइज केम टू द लास्ट पेज. मुइज कुछ मिनट के बाद जब आखिरी सफ़े पे आया तो उसने कहा कितना अफसोस है. वाओ, डैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, सैड मुइज. इसके बाद मुइज ने कहा कि ये बहुत दिलचस्प किताब थी. He closed the book and got up. उसने किताब बंद की और खड़ा हुआ. He returned the book to the shelf. इसके बाद उसने किताब शेल्फ में वापस रखी. Then he looked at the clock on the wall. इसके बाद उसने जो है वो दीवार पे ऊपर जो घड़ी रखी थी उस तरफ देखा. The clock told him it was 5:10. घड़ी ने उसे बताया कि 5:10 हो चुके हैं. ओह डियर, ओह प्यारे, क्राइड मुइस. मुइस चिल्लाया. हाउ डिड डैट हैपन, ये कैसे हुआ. आई हैव मिस्ड माई बस, मैंने अपनी बस मिस कर दी है. मुइस लुक अराउंड. मुइस ने इर्द गिर्द देखा. देयर वॉज नो बडी इन द रूम, कोई भी कमरे में नहीं था. ही, नेक्स्ट पेज. He was alone, वो अकेला था. The windows and the doors were locked. और जो उस कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे. मुइस became a little frightened. मुइस थोड़ा सा डर गया. मुइस went to a large desk. मुइस एक बड़ी मेज़ के पास गया. On the desk was a telephone. उस मेज़ के ऊपर एक टेलीफोन था. Beside the telephone there was a sheet of paper. उसके साथ ही एक जो है वो पेपर की शीट थी. इट सेट, उस पर था सीनियर मास्टर 9776432. उसके ऊपर सीनियर मास्टर लिखा हुआ था और ये नंबर जो है वो नंबर भी था. मुइस पिक अप द फोन एंड डायल द नंबर. मुइस ने फ़ोन उठाया और इन नंबर्स को डायल किया. यहाँ हम अपनी रीडिंग को स्टॉप करते हैं. अगली ऑनलाइन क्लास में हम अपनी यूनिट नंबर 8 की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू एट होम, यू हैव टू रीड यूनिट नंबर 8 मुइस लाइक्स रीडिंग एटलीस्ट ट्वाइस टाइम एट होम. सो टिल नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.